आज के वीडियो में आपको रिंकू सिंह और सुहाना खान के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस आईपीएल सीजन में जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है वो है रिंकू सिंह। आप सब जानते हैं कि रिंकू सिंह शाहरुख खान की टीम में खेलते हैं और इस टीम में खेलने के बाद जिस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाते जा रहे हैं और जिस तरह से वो इस टीम के लिए काफ़ी एफर्ट्स करते दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम हर जगह सुनने को मिलता है। रिंकू सिंह के बारे में हम जानते हैं, रिंकू सिंह के बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और अब रिंकू सिंह के बारे में एक और न्यूज़ सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो आईपीएल ट्रॉफी जिता देते हैं तो शाहरुख खान ने उनसे एक बहुत बड़ा वादा किया है। जी हाँ, रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो शाहरुख खान के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीत लेंगे तो शाहरुख खान उनकी शादी सुहाना से करवा देंगे और इसलिए उनका कहना था कि वो हर मैच जीतने की कोशिश करते हैं, साथ में वो ब्लश भी कर रहे थे। रिंकू सिंह के इस इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और हमें नहीं पता कि शाहरुख खान ने उनसे ऐसा कोई वादा किया था या नहीं किया था, या फिर कुछ ऐसी बात हुई नहीं थी, ये सिर्फ खुद की बातें बनाई हुई हैं, या ऐसा कुछ हो भी सकता है, हम इसमें से कुछ भी नहीं जानते। लेकिन रिंकू सिंह की ये बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और फैंस इस पे कमेंट्स कर रहे हैं, इसके बारे में बातें की जा रही हैं। और एक और बात आपको बताते चलें कि इससे पहले जब रिंकू सिंह और शाहरुख खान मिले थे तो शाहरुख खान ने रिंकू सिंह से ये ज़रूर कहा था कि आईपीएल के बाद तुम जब भी शादी करोगे मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारी शादी में डांस भी ज़रूर करूँगा। और अब सुहाना के साथ शादी करने वाली बात भी सामने आ रही है, तो अब देखना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। और आप सब बताएं कि क्या आपको ये सच न्यूज़ लगती है या फेक लगती है, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।